अभी बाजार में तस्वीर ये है कि क्या किसान सोयाबीन की कीमत तय करेंगे। व्यापारी अब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतें बढ़ेंगी ही, गिरेंगी नहीं। लेकिन बाजार में ऐसा माहौल है कि जहां किसानों ने बिना अपेक्षित भाव के सोयाबीन नहीं बेचने का फैसला किया है। दिवाली के बाद से सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब बाजारों में सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए क्विंटल के ऊपर बनी हुई है। दिवाली से पहले सोयाबीन की कीमत 4,800 रुपए तक थी। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तब तक वे सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। तो कुछ किसानों का ये भी कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण सोयाबीन बिक्री के लिए नहीं ला पा रहे हैं। सोयाबीन की कीमतों को लेकर अब तक किसान परेशान थे, लेकिन अब व्यापारियों और पोल्ट्री मालिकों को ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोयाबीन की आपूर्ति कम हो रही है। किसानों के पास सोयाबीन होने के बावजूद उन्हें बिक्री के लिए नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वही एक ये भी कारण है कि किसान बता रहे हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से सोयाबीन बिक्री के लिए नहीं ला पा रहे हैं। वहीं लातूर की कृषि उपज मंडी समिति को न केवल जिले से बल्कि उस्मानाबाद, सोलापुर, बीड, नांदेड़ और कर्नाटक से भी सोयाबीन प्राप्त होती है, लेकिन इस साल किसान अपने जरूरत के हिसाब से ही सोयाबीन बिक्री के लिए मंडियों में ला रहे हैं और अब किसान सोयाबीन भंडारण करना भी शुरू कर रहे हैं। हर साल दिवाली पर सोयाबीन की आवक करीब 50,000 से 60,000 क्विंटल होती है। किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में सोयाबीन की कीमतों में अभी और तेजी आ सकती है। दिवाली के बाद से रेट लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब सोयाबीन की कीमतें पिछले 3 दिनों से लगभग 6,200 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा बादल छाए रहने के कारण आवक में गिरावट आ रही है। सोयाबीन की कीमतें फिलहाल अभी स्थिर हैं, लेकिन तेजी की ही ओर है और भविष्य में सोयाबीन की कीमतों में तेजी अभी जारी रहेगी। इसके अलावा प्रक्रिया उद्यमियों और मांग से किसानों को फायदा होगा, इसलिए व्यापारियों का ये अभी मानना है कि अगर किसान कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो उन्हें सोयाबीन में ज्यादा दाम मिलेगा और अच्छा लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।